बदलते भारत के साथ बदलते बिजनेस और अलग अलग नजरिए। जी हाँ, आपको आजकल बिजनेस करना है तो सबसे ज्यादा सोचने वाली चीज होती है कि भाई रेंट, किराया, यानी कि अगर आप नया स्टार्टअप करते हो तो आपको सबसे पहले जहन में एक ही चीज आती है कि इसका भाड़ा ज्यादा लग जाएगा, किराया ज्यादा लग जाएगा। तो वही देख के कंपनी ने आज आपके लिए एक ऐसी मशीन बनाई है, ऐसी कंटेनर बनाई है कि जो आप कहीं पे भी खड़ा रख के, यानी कि रोड, रास्ते, बाग, बगीचे, कहीं पे भी ये मशीन आसानी तरीके से लेके जाके आप अच्छे खासे बिजनेस। जी दोस्तों, मेरी गारंटी है, ये मशीन, ये काट लगा के आप प्रतिदिन 10,000 रुपये कमाओगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आज की वीडियो के अंत तक देखना, मैं आपको इसके अंदर अलग अलग वैरायटी बनाना सिखाऊंगा। यानी कि 5-10 रुपये की प्रोडक्ट 40-50 रुपये में आप सेल करोगे, उस तरह की प्रोडक्ट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। और ये वीडियो में ये मशीन की पूरी जानकारी देने वाला हूँ मैं आपको आज की वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर देखना। तो आपको पहले हर कोई बिजनेस में, यानी कि आपका अगर मेरा भी बिजनेस है, तो मैं आपको यही, मैं मेरी यही कोशिश होती है कि सबसे पहला स्टेप होता है एक लोकेशन, उसके बाद अपनी कोई प्रोडक्ट या दुकान या शॉप या कोई भी बिजनेस है तो उसका एलिवेशन, गेटअप, डेकोरेट वो अच्छे से होना चाहिए ताकि कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होके आ जाए। तो उसी तरह का डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नियॉन लाइट से, यहाँ पे आपका खुद का नाम भी लगा सकते हो। आप हमें ऑर्डर देते हो तो हम आपका खुद का नाम लगा देंगे, लेकिन अभी मॉकटेल हाउस लिखा हुआ है तो देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन, अभी नया है ये कॉन्सेप्ट। और रात के आप देख सकते हो, रात का माहौल है, लाइट से दिखाया है, बाकी अंधेरे में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा खुद का ब्रांड का लगेगा, ऊपर आपका नाम लगेगा, यहाँ पे सोडा पंच की ब्रांड, यानी कि ये फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है, कंपनी है, तो आपका अच्छा दिखेगा उसलिए हमारा यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पेंट किया हुआ है, तो जो गाड़ियों के अंदर पेंट होता है वो वाला पेंट किया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो बेहतरीन पेंट, जो पीयू कलर लगाया हुआ है, जो कार में लगाते हैं वो वाला कलर यहाँ पे हम लोगों ने पेंट कराया, यानी कि ये वाटरप्रूफ कलर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हम लोग ने डेकोरेट किया है कार्ट को, हमारी कंटेनर को देख सकते हो यहाँ पे, बेहतरीन है इसको यहाँ पे, यानी कि मॉकटेल हाउस, इसको एक हम लोग फ्रेंचाइजी लुक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोतल रखने के लिए रैंक बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस बनाया कि और भी कोई प्रोडक्ट यहाँ पे मशीन आप लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक ये बेस बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम आप यहाँ पे कोई फूड रख सकते हो या कोई ग्लास रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पानीपूरी मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, आप इस तरह का, जैसे हम लोगों ने स्लश लगाया हुआ है यहाँ पे, आप कोई भी तरह की एक और बिजनेस भी यहाँ से चालू कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा मुनाफा है तो मैंने आपके लिए ये लगाया हुआ है। बाकी मशीन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इजी इसको बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोलिक बनाया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोलिक दिया गया है। और वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपको यहाँ पे बंद करना, चालू करना बहुत ही आसान है। देखिए ये हाइड्रोलिक बनाया हुआ है, देखिए यार, तो ये बहुत ही आसानी तरीके से लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ के गेटअप की बात करते हैं, पीछे की ओर, यानी कि यहाँ से हम लोग सर्विंग करेंगे, यहाँ से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बड़ा दिया है, क्या कि धूप, बारिश या उस तरह का, ये भी हम लोगों ने ख्याल किया हुआ है आपके लिए कि भाई बारिश आ जाए, धूप आ जाए, 40 डिग्री की टेम्परेचर है तो आपको धूप ना लगे, इसलिए ये बड़ा हम लोगों ने बनाया हुआ है कि इसके ऊपर आपको धूप ना लगे। और यहाँ पर देख सकते हो मॉकटेल, कॉकटेल बनाने के लिए, मोजिटो बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया स्पेस को यहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने स्लश दिखाई थी पीछे से, आप आगे से भी देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लश डेकोरेट किया, यहाँ पे एक और बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों आगे से मैंने पेंट आपको दिखा रहा, तो देखिए पीछे से बहुत ही अच्छा आपको मैं समझा सकता हूँ कि ये पीयू कलर किया है, पेंट जो किया है वो कार के अंदर हम लोग जो कलर यूज़ करते हैं, यानी कि प्लास्टिक कोटर कोटिंग कलर है ये, यानी कि ये बहुत ही अच्छा दिखेगा दिन के अंदर, बहुत ही शाइनिंग लगेगा, यानी कि उस तरह का बहुत ही अच्छा पेंट लगाया हुआ है, बहुत ही कंपनी ने ध्यान रख के ये काम किया हुआ है। तो आइए मैं आपको पहले इसके अंदर सोडा बना के दिखाता हूँ, सिंपल सोडा, कि इसके अंदर सोडा किस तरह का बनता है। तो पहले मैं आपको सिर्फ सोडा का आइडिया देता हूँ कि भाई स्टार्टिंग से चालू करते हैं कि ये बहुत ही सिंपल ग्लास है, सिंपल सोडा आप बनाओगे किस तरह का, देखिए। तो पहले हम लोग क्वालिटी की बात करेंगे, देखिए पहले तो मैं आपको एक क्वालिटी दिखा देता हूँ, या आगे के वीडियो में आपको समझ आ जाए। देखिए ये प्लेन बिना बिजली की मशीन है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिना सोडा मशीन काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो एकदम स्ट्रॉन्ग सोडा, बबल्स वाला सोडा। तो ये सोडा पंच सोडा मशीन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ मशीन है और मोनोपोली है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी हमारी है।
आपको बहुत सारी रेंज मिलती है हमारे पास नॉन एटिक मशीन में। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी ये खुद इजाद करती है मशीनों को। देखिए इतना स्ट्रॉन्ग सोडा आप देख सकते हो दोस्तों, बबल्स भी देख सकते हो, देखिए ये तो इतना बबल्स वाला सोडा, इतना स्ट्रॉन्ग सोडा आपको देगा ये। देखिए ये बबल्स देख सकते हो, एकदम छोटा छोटा वाला, तो ये क्वालिटी रहेगा। तो आप उसके बाद देखिए बिना बिजली से आप सोडा, अभी मैं आपको फ्लेवर वाला एक निकाल के दिखाता हूँ। देखिए ये फ्लेवर वाला सोडा है क्या, देखिए ये ऑरेंज का सोडा है, देखिए ये ऑरेंज का फ्लेवर का सोडा। और उसके बाद आप बहुत तरह की सोडा हम लोगों ने बनाई हुई है, देखिए ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी कोई फ्लेवर नहीं डाला है, देखिए प्लेन सोडा है। इसका स्वेटिंग देखिए, कूलिंग देखिए, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हम लोगों ने सेवन अप जाना हुआ है, यानी कि स्प्राइट बोल सकते हैं, सेवन अप बोल सकते हैं, क्लियर लेमन बोल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने जीरा मसाला का, देखिए झाग देखिए, ये सोडा का क्वालिटी देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो साहब ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मशीन है। इसके बाद तो बताइए सर क्या बनाऊँ मैं आपको पहले, यानी कि उसी तरह का रहता है बिजनेस। तो आज मैं पहले के आपको दिखाऊंगा सिम्पसन मोजीतो बनाना, यानी कि ये प्रोडक्ट बहुत ही कम लागत से बनता है और बहुत ही अच्छे दाम में बेच सकते हो। जैसे लोकेशन 40-50 रुपये, 20-30 रुपये से आप 50 रुपये तक बेच सकते हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पहले मोजीतो बनाने के लिए हमारी कंपनी की ओर से ये सारे आपको टूल्स दिए जाएंगे, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पहले अभी आपको यहाँ से पहले सबसे पहले हम लोगों को लेमन और नींबू लेना है। देखिए तो हम लोग कुछ टुकड़े इसके रियल वाले इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, देखिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पुदीना जो भी है थोड़ा बहुत डाल देंगे इसके अंदर, देखिए आपको इस तरह का वो डाल देना है। देखिए ये रियल और नेचुरल हमारे भारत का सबसे पसंदीदा फ्लेवर, मज़ा, टेस्ट, लिज्जत, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये लोगों को पीने में। देखिए ये रियल हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम लोग ये काला नमक डाल देंगे, देखिए थोड़ा बहुत आपको इस तरह लेना है। उसके बाद हम लोग सॉल्ट डाल देंगे, देखिए ये रेगुलर वाला, और फिर थोड़ा हम लोग जलजीरा डाल देंगे। देखिए ये सारी चीज़ हमारी कंपनी की ओर से आपको मिलेगी दोस्तों। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर सेवन अप सोडा डाल देंगे, देखिए ये जैसे मैंने डाल दिया। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सिंग करना रहेगा, यानी कि जो हम लोगों ने नींबू डाला था, जो लेमन डाला था, वो अच्छे से इसको हम लोग शेक कर देंगे, पीस देंगे। देखिए ये नेचुरल और बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, देखिए ये इस तरह का आपको कर देना रहेगा। देखिए ये तो अभी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया, ये देखिए ये बन गया अपना, ये जो अपना जो लिक्विड है वो बन गया है। उसके बाद इसको बंद करके एक अच्छे से इसको सेक करना रहेगा, देखिए ये हम लोगों ने सेक कर दिया। उसके बाद एक बेहतरीन ग्लास लेना है। सबसे मैंने जिस तरह बिजनेस का बताया पहले कि आपका प्रेजेंटेशन ही कस्टमर को एक्टिव करेगा, यानी कि आपको उस तरह आकर्षित करेगा और लोग आएंगे, तो आप इस तरह का बनाओगे तो ही आप अच्छा खासा दाम ले सकते हो दोस्तों। तो देखिए अभी मैं आपको इसके अंदर ये डाल के दिखाता हूँ, देखिए हम लोगों ने डाल दिया, अभी इसके हम लोग सेवन अप डाल देंगे। देखिए आप देख सकते हो कितना बेहतरीन बनाया हुआ है। उसके बाद हम लोग एक इस तरह का बना के हम लोग स्लाइस लगा देंगे, देखिए देख सकते हो ये कितना बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए 40-50 रुपए आप लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हो कितना बढ़िया हम लोगों ने बनाया। ये हमारा था मोजीतो, अभी मैं आपके इसके अंदर मॉकटेल्स वगैरह बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा पहला ड्रिंक हो गया जो मैंने यहाँ पे आपके लिए रख दिया, देखिए। तो बताइए सर और क्या पियोगे, यानी कि फुलजर सोडा, इंडिया का सबसे ज़्यादा फुलजर टकीला शॉट, जो बहुत ही फेमस अभी यूट्यूब के द्वारा या काफ़ी प्राइम लोकेशन पे आपने पिया होगा या पिया नहीं है किसी ने। और अगर आपके पास कोई मशीन है, अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिखा भी देता हूँ, और ये मशीन के साथ आपको ये मोनोपोली भी हम लोग साथ में देने वाले। तो आइए टकीला शॉट में आपको किस तरह बनेगा वो आपको सबसे बेहतरीन चीज़ दिखा दो। देखिए पहले हम लोग इस तरह का थोड़ा सा मसाला एक डालेंगे जो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है दोस्तों, तो आधे से ज़्यादा हमारी मोनोपोली है इसके अंदर। तो देखिए ये मसाला डाल देंगे, उसके बाद एक और तरह का, देखिए ये दोनों हम लोगों ने चीज़ अच्छे से डाल दी। अभी इसके बाद जो हमारा फेमस हमारा मोनोपोली जिस तरह मैंने आपको मेंटेन किया, ये देखिए ये हमारा खुद ने हम लोगों ने बनाया आपके लिए, तो आप देख सकते हो इसके अंदर हम लोगों को ये डाल देना। देखिए टकीला का फ्लेवर,
अब देख सकते हो ये हमें डालना रहेगा, देखिए ये हमारा हो गया क्लियर शॉट रेडी। देखिए उसके बाद अभी आपको मॉन्स्टर बनाने के लिए यानी कि टकीला ये मॉन्स्टर ग्लास ही चाहिए होगा जो आपको हमारी कंपनी देने वाली है। सभी सभी एक एक ग्लास हर एक जैसे कि हम लोग वीडियो में देखेंगे आगे आगे वो सभी एक एक ग्लास दे रही देगी आपको कंपनी। देखिए इस तरह का मॉन्स्टर ग्लास लिया, प्रेजेंटेशन से ही बिजनेस चलेगा। मैं हमारे ये शुरू से लाइन है मेरी ये कि अच्छी दिखावे से ही बिजनेस चलेगा। देखिए अभी इसके अंदर हम लोग को सिंपल सोडा डालना है, देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग सोडा मशीन में बनाया हुआ है तो आपको ये पूरा सोडा का भर दे रहा है। देखिए देखिए अब मज़े की चीज़ आप देख सकते हो, इसका स्ट्रॉन्गनेस क्वालिटी आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों यह बेहतरीन हमारा टकीला शॉट सोडा हो गया रेडी, आप देख सकते हो इसका देखिए बबल्स, इसका जो जो देख सकते हो इसके ऊपर बबल्स, इतना स्ट्रॉन्ग सोडा है हमारा। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी है ये। बदन में जान आ जाएगी पीने के बाद। तो बताइए सर अभी और अभी मॉकटेल बनाए गए यानी कि ब्लू कोरेको मॉकटेल जो वो भी सबसे ज़्यादा बिकता है, तो ये अभी जो ड्रिंक बना रहा हूँ रिसेंटली वो सबसे ज़्यादा जो बिक रही है वही बना रहा हूँ। तो अभी आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी देखिए, ब्लू कोरेको यानी कि मॉकटेल बनाने के लिए आपको कंपनी एसेसरी में ये भी देने वाला है और उसके बाद एक और तरह का ग्लास और हमारा प्रेजेंटेशन। देखिए ये दो चीज़ की आपको ज़रूरत रहेगी और हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टैंड ही बनाया हुआ है इसके अंदर अलग अलग मॉकटेल बनाओगे, क्रॉस बना सकते हो, पाइनएप्पल, बहुत सारे मॉकटेल बना सकते हो, लेकिन बहुत ही कम वक्त लूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वरना। देख के जो फेमस है वही बना रहा हूँ, ब्लू कोरेको मलास कंपनी का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। देखिए जो अभी आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, देखिए ये दो तरह का शॉट्स है, इसके अंदर 30 और 60 दो तरह की है, लेकिन अभी आप लोगों को 30 ml ही लेना है। देखिए ये हम लोगों ने 30 ml ले लिया। ये अभी हम लोगों को ग्लास के अंदर डाल दे रहा है, देखिए इसके बाद इसके अंदर हम लोग 7 up सोडा डालेंगे। देखिए ये हम लोगों ने आधा ग्लास 7 up सोडा डाल दिया। देखिए ये अभी इसके अंदर हम लोग वैरायटी बना के यानी कि वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हम लोगों ने ऊपर से डाल दिया ऑरेंज फ्लेवर, तो देखिए दो तरह का शेड हो गया ग्लास के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग टॉपिंग के तौर पे इसके अंदर एक नींबू का स्लाइस लगा देंगे। देखिए ये हो गया और भी बेहतरीन ड्रिंक हमारा रेडी यानी कि ब्लू कोरेको मॉकटेल विथ ऑरेंज ये हम लोगों ने बनाया। देखिए दो शेड दिख रहा है, नीचे ब्लू दिख रहा है ऊपर ऑरेंज दिख रहा है, तो ये भी हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है। देखिए मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ, बेहतरीन। ये हो गया हमारा तीसरा ड्रिंक रेडी। तो और सर क्या पियोगे? रास्पबेरी मॉकटेल। जी दोस्तों रास्पबेरी मॉकटेल और तरह का एक ग्लास चाहिए होगा हमें ड्रिंक बनाने के लिए, तो देखिए इस तरह का हम लोग इसमें ग्लास यूज़ करने वाले हैं। तो ये भी कंपनी आपको देखी, देखिए अभी आपको यहाँ पे ये हम लोगों ने बॉटल ले लिया जो मालास कंपनी का है। देखिए तो ये आपको ग्लास रहेगा और फिर से हम लोग इसके अंदर 30 ml का शॉट्स लगाएंगे। देखिए ये हम लोगों ने डाल दिया इसके अंदर, इसके अंदर फिर से हम लोग 7 up सोडा डालेंगे। देखिए ये देखिए ये हमारा हो गया रास्पबेरी मॉकटेल, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन ड्रिंक दिख रहा है। देखिए अरे वाह, देखिए इसका आप सोडा का स्ट्रॉन्गनेस देख सकते हो। ये हो गया हमारा चौथा ड्रिंक, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी स्वीट है ये। इसके ऊपर तो दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रिंक बना के आपको बहुत तरह की दिखाई है, देख सकते हो आप, बहुत ही लजीज और टेस्टी बना के दिखाया, बिजनेस का पूरा नॉलेज दिया है। आप इसके रेट की बात करते हैं तो आप इसको 30 rupees से भी ज़्यादा रेट में बेच सकते हो, यानी कि 20 से तो प्लस ही ले सकते हो, इसको भी आप 20-30 rupees में बेच सकते हो। ये 50 rupees का ड्रिंक है, ये भी 50 rupees का ड्रिंक है जो अभी नॉर्मल लोकेशन पर बिकता है। अभी आप प्राइम लोकेशन पे हो या कोई भी जगह ऐसी है कि जहां आपको बहुत ही अच्छा पैसा मिलने वाला, तो ये 90 rupees या 100 rupees तक भी बेच सकते हो।
यानी कि इसके अंदर आपको बहुत ही कम लागत लगने वाला है और पैसा ज़्यादा मिलने वाला है। और भी हमारे जैसे कि मैंने बताया था कि ये कार्ट आप इसके अंदर दो तीन तरह की अलग अलग बिजनेस करोगे। तो अभी देखिए हम लोगों ने मशीन का पार्ट वन ख़त्म कर दिया, पूरा वीडियो हम लोगों ने सेटअप कंप्लीट कर दिया। अभी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, देखिए आप यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक एक्स्ट्रा पार्ट्स बनाया है कि मशीन के अलावा आप साइड में यहाँ पॉपकॉर्न मशीन, स्वीट कॉर्न मशीन या आप इसके अंदर कोई भी तरह का बिजनेस लाइव लगा सकते हो। पानीपुरी का छोटा सा आप एक मशीन यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि अभी हम लोगों ने ये बिना इलेक्ट्रिक वाला मशीन है, यानी कि नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है, इसके लिए आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है, बैटरी पे लाइट चल रहा है। लेकिन इस तरह का यहाँ पे आप और भी एक तरह का मैंने जिस तरह बताया बहुत सारी मशीन नॉन इलेक्ट्रिक वाली लगा सकते हो। लेकिन अभी रात का वक्त था तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, यानी कि स्लस। तो ये मॉकटेल हाउस था तो मैंने स्लस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मैंने स्लस मशीन लगाया, इसके अंदर भी बहुत बड़ा मार्जिन है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो हमारी नहीं देखी है स्लस मशीनों की तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा दो, देखिए स्लस ज़्यादातर इंडिया में 30 से 40 रुपये तक बिकता है, काफ़ी जगहों पे 50 रुपये में बिकता है। तो देखिए स्लस में किस तरह का होता है तो वो आपको मैं पूरा डेमो दिखाता हूँ। देखिए स्लस मशीन में इस तरह के ग्लास चाहिए हो गए, हर फ्लेवर के लिए अलग अलग ग्लास यूज़ करोगे तो बिजनेस ज़्यादा चलेगा आपका। देखिए ये अभी हम लोग यहाँ पे मैंगो का फ्लेवर बनाया है, जो इंडिया में ये काफ़ी अच्छा लोग पसंद करते हैं इसको पीना। देखिए ये हो गया हमारा मैंगो का, इसके ऊपर आप इस तरह का ढक्कन लगा के, देखिए ढक्कन लगा देना इसके ऊपर, ये 40 से 50 रुपए में बिकेगा। देखिए इसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रॉ डाल लिया। देखिए यहाँ पे कोई भी तरह का एक और बिजनेस करने के लिए यहाँ पे स्पेस बना, या तो यहाँ पे आप कस्टमर को सर्व करके खाने के लिए यानी कि पीने के लिए खड़ा होने के लिए यहाँ पे वो चीज़ सर्व करने के लिए ये स्पेस खाली हम लोगों ने कंपनी ने सोच के बनाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया हमारा कच्चा आम फ्लेवर। देखिए ये दोनों स्लस हमारे रेडी हो चुके हैं, ये 30 से 40 रुपए में या 50 रुपए में आप इसको बेच सकते हो। यानी कि यहाँ पे एक और स्पेस और बिजनेस करने के लिए हम लोगों ने बनाया, जो मशीन के अंदर अटैच ही है, आपको ये सिर्फ रात को लॉक करना है। तो जैसे वीडियो में हम लोगों ने देखा, तो मैंने आपका बहुत ही कीमती वक्त लिया है तो आपको इतनी अच्छी जानकारी भी देने की कोशिश की है, समझाया प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे बिजनेस आइडिया, आपको किस तरह प्रोडक्ट बनानी है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। फिर भी कोई चीज़ की आपको कन्फ्यूजन है या तो आपके कॉमेंट्स में ही मैं ये मशीनें बनाता हूँ दोस्तों, तो अगर आपको इसमें कुछ अलग करना है तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट्स करके या सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक मैं इसके ऊपर कॉल करके नंबर के ऊपर कॉल करके ये मशीनों के बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। और अगर ये लाइव देखना है तो ज़रूर हमारी सिटी पे मोस्ट वेलकम सर, आप आके और बहुत सारी मशीनें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारी चैनल पे नीचे देख सकते हो इतने सारे बिजनेस आइडिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज़।